जनपद बहराइच से बड़ी खबर। बहराइच कैसरगंज के अंतर्गत थाना फखरपुर के गुंडासार पहुंचे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष। लखनऊ बहराइच हाईवे को किया गया भीम आर्मी द्वारा चक्का जाम। कुलदीप भार्गव एवं देवी पाटन मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी मनोज कुमार पुष्कर एवं चारों जिला अध्यक्ष समेत पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता गण भी मौजूद रहे। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हैं सीएम योगी। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना है लेकिन अभी तक यह योगी की पुलिस प्रशासन नहीं कर सकी अपराधी का निर्दोष की जांच। बेवजह 12 लोगों का दर्ज किया गया था FIR। मामला 14 अप्रैल कुंडासार का है जबकि असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर एवं जुलूस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 12 निर्दोषों को फर्जी FIR दर्ज किया था और आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। इसी को लेकर भीम आर्मी ने लोगों में काफी आक्रोश अभी मारने के किया जिसके बाद DM SDM SP CO और पुलिस प्रशासन के मौके पर पहुंचे जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन दिया जिसे प्रशासन के आश्वासन देते हुए कहा कि विवादित जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है और बाबा साहब की प्रतिमा किसी दूसरी जगह स्थापित की जाए और विवेचना करके फर्जी मुकदमे हटाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की बातें कितनी सच्चाई है। रिपोर्टर अब्दुल नासिर। बाबा साहब की मूर्ति रखना हमारा संविधान के अधिकार, ठीक है, ये आप पहले समझ लें और संवैधानिक अधिकार है। मैं मानता हूँ उसके लिए कुछ गाइडलाइन बनाई गई है, शायद वो आप लोगों से ना फॉलो करी गई हो, वो कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बाबा साहब का अपमान सबको पता है, प्रशासन और शासन सबको, कि बाबा साहब का अपमान जो है वो एक क्राइम में आता है। तो आप जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं इसका मतलब आप क्राइम करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप क्राइम करते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जाएगा, कानून तो ये कहता है ना। तो हम तो यहाँ गलत करने के लिए कुछ नहीं आए, ना हमें किसी को मारना है, ना हम किसी को गाली देने आए हैं। हम तो जो हमारे हाथ में है ये संविधान, भाई बाबा साहब कहते थे कि हमारा कलम जो है वो अस्त्र है, हमारा जो कलम है वो अस्त्र है और संविधान हमारा वस्त्र है। तो क्या हम अपना वस्त्र ना बचाएं? बचाएंगे ना। और वस्त्र बचाने के लिए वस्त्र अगर हट गया इसका मतलब हम तो फिर बिल्कुल नंगे होंगे और जब हम नंगे हो जाएंगे तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर हमको मरना भी पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से और पीछे तक भी, जिसको ऐसा लगता हो कि डरा के धमका के चीजें तुम इधर से अनचुत कर दोगे उधर से उधर कर दोगे तो आपकी ये भूल है। अभी हम 200-300 आए, अगर जरूरत पड़ी तो शाम होते होते यहाँ कम से कम 30,000 मिलेंगे आपको साहब, गलती मत करना। जब हम 150-150 किलोमीटर से यहाँ तक आ सकते हैं तो जाहिर सी बात मान लो कि और हमारे इतने साथियों खाली इंतजार कर रहे हैं कि आप पहुँचो, हम लाइव देख रहे हैं और जब जैसे ही लगेगा कि माहौल ख़राब है हम आ जाएंगे। और बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ आपको, आप मेरी कोई आपसे लोगों से किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी चीज़ें मानी जाए, हमारे जो साथी हैं उन पर जो मुकदमे फर्जी किए गए वो वापस लिए जाएँ, प्रशासन से मेरी एक अच्छी सी बातचीत हो जाए और कोई विवाद नहीं करना चाहते हम। हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब का सम्मान है वो बना रहे। ये तो प्रशासन को शासन को सबको चाहिए कि अगर आज यहाँ अपमान हुआ करके बगल के गांव में होगा, तो सबकी एक प्रतिष्ठा होती है, सबका एक सम्मान होता है और हम अपने बाबा साहब के लिए तो सम्मान के साथ में समझौता नहीं करेंगे, ये जाहिर सी बात है। तो आप बिल्कुल कोई विवाद अभी ना करो, ठीक, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी बात की बात फिर बात करेंगे, ठीक है। हम करना है, हाँ, हम नहीं चाहते ना, हम तो चाहते हैं कि जो चीज़ें हुई थी आप ये बताओ, जब इसकी पैमाइश नहीं हुई, इसका कोई निरीक्षण नहीं हुआ तो ये कैसे घोषित कर दिया गया कि ये जमीन ये? इनकी है और यहाँ पर ये चीज खड़ी हो जाता है। कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित होकर रहो, चाहे जितना बड़ा कोई ताकतवर हो, चाहे मंत्री का बेटा तक, ठीक है, वो चीजें हिल के रहेंगी, ये आप लिख लो बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पुलिस वाले लोग भी खड़े हैं, ये भी हमारी आवाज बताते हैं। तो अभी तो हम यहाँ देखने के लिए आए जी, ठीक है, अब अपने अपने काम में लग जाइए, ठीक है, और ये आवाज़ यहाँ से पीछे तक जो प्रशासन के लोग भी खड़े हुए हैं
लेकिन तब तक वो भी मैं शासन के लिए राजी था, लेकिन बात ये कि मतलब ये कहना कि जब हम नहीं उसमें हमने हटा लिया सब कुछ चीजें तो उनकी भी हटना चाहिए। अब मैं आपके हिसाब से कह रहा हूँ कि वो हटा दीजिए, सीधा बोलने के रहे वो मैं नहीं हटा रहा, तो इसका मतलब फिर आप तो किस दबाव में किस डर में भाई, आप हमको तो तुरंत भगा दे रहे हैं, उनको आप क्यों रोक रहे हैं? लिख पलाए हैं बाबा साहब का प्रोग्राम तोड़ा गया है और लाओ।